लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली है भाई, होली है। जी हाँ दोस्तों, होली है तो हुड़दंग तो बनता ही है, क्योंकि होली है ही उल्लास, उमंग और आनंद का उत्सव, हरे नीले पीले लाल गुलाबी जैसे हजार रंगों का उत्सव। ये हजार रंग इसलिए है कि हम भूल जाए कि हमारा अपना रंग कौन सा है, हम अनेक में एक हो जाए, क्योंकि जब ये रंग मिलते हैं तो हमारे संस्कार बनते हैं, संस्कृति बनती है और मिट जाते हैं वैर, मिट जाती है दुर्भावना और पैदा होती है सामाजिक समरसता। तभी तो कभी नीरज गोस्वामी लिखते हैं कि बुलाए जब तुझे वो गीत गाकर ताल पर ढपकी, जिसे माना कि ये दुश्मन समझ लेना कि होली है, करे जब पांव खुद नर्तन समझ लेना कि होली है, हवाओं में घुला चंदन समझ लेना कि होली है, हिलोरे ले रहा हो मन समझ लेना कि होली है। जी हाँ दोस्तों, होली में ये सब कुछ होता है। हिंदुस्तान में होली कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के आखिरी माह फाल्गुन की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। इसके दूसरे दिन से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन नई आषाढ़ी फसल के अन्न, गेहूं, चना जैसी फसलें तैयार होती हैं। इन फसलों को डंडों पर बांधकर होलिका में भूनने का रिवाज है। संस्कृत में भुने हुए अन्न को होलिका कहते हैं। होलिका की राख को चंदन की तरह लगाने का रिवाज है। नारद पुराण कहता है कि होली भक्त प्रहलाद की विजय और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के विनाश का स्मृति दिवस है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के आदेश पर उसकी बहन होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका भस्म हो गई। इसीलिए इस पर्व को होलिका दहन भी कहते हैं। भविष्य पुराण कहता है कि महाराजा रघु के राज्यकाल में धुंडा नामक राक्षसी का उपद्रव जब बढ़ गया, तब महर्षि वशिष्ठ ने बालकों को लकड़ी की तलवार, ढाल और प्रज्वलित अग्नि देकर जगह जगह हो हल्ला करने को कहा। तब का हो हल्ला आज का होली का प्रतीक है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि नरो दोलागतम दृष्टाम गोविंदम पुरुषोत्तमम फाल्गुन न्यास संजतो भूत्वा गोविंदस्य पुरम व्रजेत। इस दिन भगवान कृष्ण गोविंद की पालकी निकाली जाती है। भक्त नाचते गाते उत्सव मनाते हैं। कई पुराणों में इसे संवत जलाना भी कहते हैं, क्योंकि यह वर्ष का अंतिम दिन होता है, इसलिए सब लोग हंसते गाते रंग अबीर गुलाल लगाते हुए नववर्ष का स्वागत करते हैं। जैमिनी मीमांसा दर्शनकार ने अपने ग्रंथ में होली का अधिकरण कहकर होली की प्राचीनता और उसके महत्व को रेखांकित किया है। विंध्य प्रदेश के रामगढ़ में 300 ईसा पूर्व एक शिलालेख मिला है, जिसमें पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस उत्सव का उल्लेख है। वात्स्यायन महर्षि ने अपने कामसूत्र में होलाक नाम से होली का वर्णन किया है। 7वीं सदी में लिखी गई महाराज हर्ष की रत्नावली में होली वर्णित है। 11वीं सदी में मुस्लिम पर्यटक अलबरूनी ने हिंदुस्तान की ऐसी मदमस्त होली का उल्लेख किया है जिसे हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर मनाते थे। सम्राट अकबर और जहांगीर के राज्यकाल में शाही परिवार में भी होली बड़े समारोह के तौर पर मनाई जाती थी। होली के इतिहास और वर्तमान को जोड़ने का हमारा मकसद ये है कि नई पीढ़ी अपनी उस परंपरा और त्योहारों को जाने और समझे। अब आपको एक और पहलू बताते चलते हैं। होली सिर्फ हिंदुओं का या हिंदुस्तानियों का ही त्योहार नहीं है। दुनिया के कई देशों में कई और कौमें भी होली को आनंद उत्सव के रूप में मनाती हैं। इटली को ही देख लीजिए, यह कैथोलिक कंट्री है, लेकिन यहाँ हर साल फरवरी के महीने में रेडिका के नाम से होली मनाई जाती है। शाम के वक्त लोग तरह तरह के स्वांग बनते हैं, कार्निवल की मूर्ति के साथ रथ सजाकर नाचते गाते हुए जाते हैं और सूखी लकड़ियों में रथ को रखकर उसमें आग लगा देते हैं। फ्रांस में नॉर्मंडी नामक स्थान पर घास से बनी मूर्ति को शहर में घुमाते हैं और उसे होलिका की तरह आग लगा देते हैं। बच्चे चिल्लाते हैं, हो हल्ला मचाते हैं और आनंद मनाते हैं। जर्मनी में ईस्टर के समय पेड़ों को काटकर जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसके आसपास घास डालकर आग लगा दी जाती है। लोग एक दूसरे के मुख पर रंग लगाते हैं और आनंद मनाते हैं। स्वीडन के नॉर्वे में और साइबेरिया में बच्चे घर घर जाकर लकड़ी इकट्ठा करते हैं और शाम को उसमें आग लगाकर आग के आसपास उत्सव मनाया जाता है। दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में भी होली मनाई जाती है। अमेरिका में होली का त्यौहार हैलोवीन के नाम से मनाया जाता है, यानी सब कुछ वैसा ही जैसे कि आज भी भारत के गांव में होता है। पश्चिम देशों के लोग भारत को भूत प्रेत और सपेरों का देश भी कहते हैं, लेकिन सच यह है कि भारत के पर्व त्योहार, पूजा पाठ, चिंतन, दर्शन सब विज्ञान की कसौटी पर खड़े और परखे हुए हैं। भारत की परंपराओं में आनंदित जीवन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसे भारत के ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले ईजाद कर लिया था। एक रात में ही संपन्न होने वाला होलिका दहन
जाड़े और गर्मी की ऋतु संधि काल में फैलने वाली चेचक, मलेरिया, खसरा जैसे संक्रामक रोगों के कीटाणुओं के विरुद्ध एक सामूहिक अभियान भी है। हर तरफ आग जलती है तो उससे वायुमंडल में पैदा होने वाला 140 डिग्री फारेनहाइट तक का तापमान कीटाणुओं को जलाकर नष्ट कर देता है। रंगारंग कार्यक्रम, खेल कूद, आनंद उत्सव वसंत ऋतु में पैदा हुए आलस्य को भी दूर करते हैं और स्फूर्ति और ऊर्जा भरते हैं। महर्षि सुश्रुत ने इसीलिए तो इसे पोषक ऋतु कहा था। कफश्चितो हि शिशिरे वसन्ते आर्कासु तापितः हत्वाग्निकुरते रोगनातस्तम त्वरया जेतु। याद करिए, पहले पलाश अर्थात ढाक के फूलों का रंग निकालकर होली खेली जाती थी। आयुर्वेद कहता है कि टेसु के फूलों से बने रंग स्नायु तंत्र के रोगों से हमें बचाते हैं। एतस् पुष्यम कफम पित्तम कुष्ठम दाहम त्रिषामपि वातम स्वेदम रक्त दोषम मूत्रकृच्छ च नाशयेत। बात होली की हो और भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ खेली गई होली को न याद करें, यह कैसे हो सकता है। मथुरा, वृंदावन और बरसाने की लठमार होली तो आज भी इतनी मशहूर है कि जिसे देखने के लिए सात समंदर पार से लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। यहाँ की होली की तैयारियां महीने भर पहले से ही शुरू हो जाती हैं। दरअसल यह उत्सव सब कुछ भूल कर कृष्ण के रंग में रंग जाने और ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने का भी है। भारतीय फिल्मों ने होली की इस परंपरा और प्यार को भी दिखाया है। फिल्मों के कई गाने आज भी होली के उड़दम और आनंद का एहसास कराते हैं। आज हम भले ही शहरीकरण के दौर में आधुनिक होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी मुंबई उपनगरों में उत्तर भारतीय और राजस्थानी समेत कई ऐसे समुदाय हैं जो अपनी परंपराओं को नहीं भूले हैं। होली पर आप कई जगह ऐसे नजारे देख सकते हैं जब लोग ढोलक और मंजीरे पर फगुआ गाते हैं, अबीर गुलाल लगाकर होली मनाते हैं। दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि भाईचारे और मतभेदों को भुलाकर एक होने का पर्व भी है। होली का एक अर्थ ये भी है कि अब बहुत हो लिया, अब और नहीं, चाहे वो बुराई हो या वैर या खत्म करने का भी दिन है। सृष्टि में शीतल सुमन भी खिल सकेंगे आज कैसे, स्वार्थ से उन्मत्त मानव मिल सकेंगे आज कैसे, रक्त शोषण की भयंकर भावना जो पल रही है आज होली चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की होली दूषित है, नशे से सराबोर है, इसे नशा मुक्त और निर्मल करने की जरूरत है। यह सवाल है कि आखिर यह होली दुर्भावना, शोषण और वैर से मुक्त कैसे होगी, कैसे आनंद, उल्लास और एकजुटता का प्रतीक बनेगी। नीरज गोस्वामी लिखते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगे वाकई आज होली है। हमारी जिंदगी यूं तो है एक कांटों भरा जंगल, यदि लगने लगे मधुबन समझ लेना कि होली है। आज कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, जाहिर है कुछ इलाकों में कुछ पाबंदियां हैं। यह पाबंदियां हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। उम्मीद है आप सब अपने परिवार की और खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे और इस होली पर रंगों में सराबोर हो जाएंगे। हैप्पी होली।